Assalamualaikum viewers, this is me Hafsa Khan and welcome back to my another vlog. Last vlog से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि 30th of November पर मेरी wedding anniversary है और मैं आपके साथ अपने सारे experiences share कर रही हूँ, अपनी memories share कर रही हूँ और जो आजकल मेरी pre-wedding preparations चल रही थी उनके बारे में आपके साथ मैं सब कुछ share कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये भी share करूँगी कि मैंने बारात का लहंगा कहाँ से लिया था, किस brand से लिया था, किस salon से मैंने makeover लिया था, मैं satisfy हुई थी कि नहीं हुई थी, और मेरे शूज़ मैंने अपने कहाँ से लिए थे और अपनी ज्वेलरी मैंने कहाँ से बनवाई थी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और जी हाँ जी, अभी तक मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चले चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले अपने वेडिंग ड्रेस के बारे में आपको मैं बताती जाऊँ कि मैंने वेडिंग ड्रेस कहाँ से बनवाया था। और वेडिंग ड्रेस मैंने बनवाया था लिबर्टी में, वेडिंग एशिया है और बहुत फेमस है ये ब्रांड। अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि मैं फुल रेड में बनवाऊंगी और फ्रंट ओपन गाउन में बनवाऊंगी और नीचे लहंगा बनवाऊंगी। अच्छा, फिर जब मैंने उनकी आउटलेट विज़िट की तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने इसमें रेड कलर में पहले एक सैंपल बनाया है तो उसमें इतनी इसकी ग्रेस नहीं निकली, क्योंकि मुझे इनका नया फ्रेश फ्रेश सैंपल आया था तो मुझे ये काफ़ी अट्रैक्ट किया था। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, आप ये गोल्ड कलर ही रहने दें, तो साथ दुपट्टा तो रेड एटलीस्ट होना चाहिए, कुछ तो रेड इसमें टच हो के लगे कि बारात का दिन है और बारात पर रेड ही मुझे तो पसंद है। और अब मुझे रिग्रेट, बल्कि मैं फील करती हूँ कि मैंने क्यों नहीं पूरा रेड में लिया ना। तो रेड एक थीम ही ऐसा है कि जो बारात पर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये फिर भी मैंने ये खुद कहकर उनको ये रेड थोड़ा सा टचअप करवाया था, लेकिन इनका फुल ड्रेस गोल्ड में ही था। तो मैंने कहा नहीं, मेरा दुपट्टा रेड कीजिए और साथ में जो अंदर थोड़ा सा इसमें वर्क है उसमें थोड़ा सा रेड टचअप दीजिए। देखें जिस तरह से ये आपको नज़र भी आ रहा होगा ये सब। तो जी, जिसने भी अगर जो लाहौर से है और वो विज़िट करना चाहता है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसको मैं गाइड कर दूँगी। लिबर्टी में लोकेटेड है, ठीक है। और फिर बात आ जाती है जी वहाब की शेरवानी की। तो वहाब की शेरवानी हमने फिबोनाची से बनवाई थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, ना ही इसकी मुझे स्टिचिंग पसंद आई थी और ना ही मुझे फैब्रिक पसंद आया था। जो उन्होंने हमें सैम्पल्स दिखाए थे वो तो बहुत आउट क्लास थे। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी मेरी शूज़ की। ये मैंने अपने शूज़ लिए थे मोचियानी से। अच्छा, मैं जब आउटलेट पर गई थी मोचियानी की तो उनके पास मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उन्होंने तो ऑनलाइन डिलीवर किया था। जब ये शूज़ मेरे पास रिसीव्ड हुए थे तो इसमें थोड़ा सा ना हील का इशू आ रहा था और मेरे पास सिर्फ एक दिन रह गया था, तो मैं दोबारा उनके पास जा नहीं सकी थी और ना ही मैं इसको चेंज करवा सकी। तो ये चीज़ें आप पहले लाजमी देखिएगा। और ज्वेलरी मेरी ये वाले ब्रदर इन लॉ ने बनाई थी, जिनकी आप पिक्चर अभी देख रहे थे, जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, एल्डर सिस्टर, वो वाले बहनोई ने मेरी ज्वेलरी बनाई थी, क्योंकि वो गोल्ड स्मिथ हैं और मेरी सारी ज्वेलरी गोल्ड की थी। और ये मेरी सेंटर वाली सिस्टर के हस्बैंड हैं, उनकी फैमिली है, और ये मेरे इन लॉज की फैमिली है, और ये वाली मेरी सेंटर सिस्टर की फैमिली है। और फिर ये सारे फैमिली मेम्बर्स आए थे, इसमें मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी मदर हैं, मेरा भाई है। और मैंने जो सैलॉन चूज़ किया था अपने लिए बारात के लिए भी, तो वो भी एलेनोरा ही था। पहले मेरा माइंड ये था कि मैं मदीहास का मेकओवर ले लूं या फिर आमिना राजा का ले लूं। तो फिर मैंने विज़िट किए थे सैलॉन्स तो मुझे एलेनोरा का बहुत अच्छा लगा था। रियल में मैंने एक ब्राइड देखी थी तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मेहंदी का तो मैंने सीनियर आर्टिस्ट का मेकओवर दिया था और बारात का ये जो मेरा था ये लास्ट टचअप बाय एनी का था, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुई थी। मेरी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, हालांकि मैंने इस्लामाबाद जाना था, मेरी बिल्कुल भी बेस ख़राब नहीं हुई थी। तो अगर कोई सैलॉन सर्च कर रहा है लाहौर में तो वो एलेनोरा इज़ द बेस्ट। और मेरा निकाह भी बारात पर ही हुआ था और ये मैं अपने भाई के साथ मेरी एंट्रेंस हो रही है। और ये जो मेरे भाई का ड्रेस है ये भी MNR का ही है। मेहंदी पर भी इन्होंने MNR से बनवाए थे और बारात पर भी इन्होंने MNR से ही बनवाए थे।
चमकीले गगन लगा के पैरों में पायल सजा के मैं घड़ा का सूता लागे सा मैं घड़ा का सूता लागे सा बुद्ध बुद्ध गाने चला के दिल से बोता है बुदा के मैं घड़ा का सूता लागे सा मैं घड़ा का सूता लागे सा छे छे आंदा मेरी चाल के दाजे ते ते कसूरी मेरी दोगी के दाई इस बिट ये बादल की चादर ये बादल की चादर ये तारों के आंचल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल 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 ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाए पल दो पल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी आए आंखों को नी